ऑल राइट, अब हम करेंगे वर्ड शिफ्ट राइट। ये भी बिट शिफ्ट राइट से सिमिलर है, इसमें हम वर्ड को शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वेइंग स्केल एप्लीकेशन लेते हैं जिसमें हमारा यहाँ पे कुछ नॉर्मल कन्वेयर्स हैं ये वाली, और बीच में लगा हुआ एक वेइंग स्केल और दोबारा इसके बाद नॉर्मल कन्वेयर्स हैं। तो आपका बॉक्सेस मूव कर रहे हैं लार्ज एंड स्मॉल, जिसमें लार्ज का वेट है 10 kg, स्मॉल का है 5 kg। दो तरह के बॉक्सेस हैं और आपके डिफरेंट बॉक्सेस भी हो सकते हैं विद डिफरेंट वेट। हमने सिर्फ इसमें वेट की वैल्यू मूव करनी है। ओके तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बॉक्सेस। ओके जैसे हमने बिट शिफ्ट में किया था, हमने 6 बॉटल्स ली थी, यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस लिए हैं। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वर्ड शिफ्ट राइट का वो है WSF वर्ड शिफ्ट राइट, सो WSFRP पल्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमारा जो वेइंग स्केल है वो D0 में आ रहा है। ओके वेइंग स्केल की वैल्यू kg D0 में आ रही है, तो हमारा सोर्स क्या हो गया D0। ओके अब यहाँ पे एक सेंसर लगाया मैंने X0 जो कि कमांड देगा कि कब हमने वैल्यू शिफ्ट करनी है। ओके तो हमने X0 यहाँ पे लिया इनपुट पे, तो जैसे ही X0 ऑन होगा वैल्यू जो होगी D0 में वो मूव करेगी डेस्टिनेशन में विच इज़ D10। ओके 4 यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा है, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट इंस्ट्रक्शन में लिया था नंबर ऑफ बॉक्सेस। एंड क्या है कितने वर्ड शिफ्ट करने हैं, हम बस एक बॉक्स का वेट चेक करें एट द मोमेंट, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे इस एग्जाम्पल में तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी D10, द फर्स्ट बॉक्स D10 होगा बिकॉज डेस्टिनेशन में फर्स्ट बॉक्स है ये, उसकी वैल्यू है 10 kg, तो यहाँ पे आएगा 10। सेकेंड बॉक्स में आएगा 5, थर्ड में 5 एंड फोर्थ में 10। तो हमारे पास 4 डाटा रजिस्टर्स आ जाएंगे जिसमें 4 बॉक्सेस का वेट किया होगा। अब इसको सिमुलेट करते हैं। मैंने प्रोग्राम में ऑलरेडी यही सेम प्रोग्राम बनाया है, बस हम सेंसर सिग्नल X0 को M20 से सिमुलेट कर रहे हैं और D0 में मैं मैनुअली वेट डालूंगा। ओके तो इसको मैं दोबारा एक बार से स्टॉप करता हूँ एंड रन करता हूँ और ये मेरा ऑनलाइन है। अब सपोज फर्स्ट बॉक्स क्या था हमारे डायग्राम में 10 kg, तो फर्स्ट बॉक्स आया, ये एग्जीक्यूट हुई 1 टाइम। सेकेंड बॉक्स आया 5 kg और ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये शिफ्ट हुआ। थर्ड बॉक्स भी 5 kg ही था तो ये मैंने दोबारा शिफ्ट किया। फोर्थ बॉक्स 10 kg था, ये एंटर किया और ये शिफ्ट किया। अब देखो जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा है सिमुलेशन में और मेरे टैबलेट में जो आ रहा है रिज़ल्ट, D10 था 10, तो हमारा D10 इज़ 10, D11 वॉज 5 विच इज़ करेक्ट, D12 वॉज 5, ये भी करेक्ट है, D13 वॉज 10। तो ऐसे हमने 4 बॉक्सेस का वेट स्टोर कर लिया। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखोगे, मैं वेइंग स्केल से एक एग्जांपल बनाऊंगा, उसमें मैं शिफ्ट करूंगा और कुछ बॉक्सेस लूंगा लार्ज एंड मीडियम और ऑल्सो लार्ज मीडियम एंड स्मॉल, तो हम 3 बॉक्सेस का वेट मूव करेंगे। तो ये आप एप्लीकेशन एग्जांपल में देखोगे। ये इसमें बस मैंने थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना था कैसे आपका वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ऑलराइट तो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, नंबर ऑफ वर्ड जो हमने शिफ्ट करने हैं और एक इनपुट है। ऑलराइट इसको हम एप्लीकेशन एग्जांपल में और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे। सो ये था अबाउट वर्ड शिफ्ट राइट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सी नई इंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। सी यू देन, थैंक यू।